उसके बाद में क्या हुआ ये तो सभी को मालूम है। चिदानंद जी ने और इस बात के लिए धन्यवाद दिया है हरीश रावत जी ने परमात्मा निकेतन जी के इसके परम अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि यमुना प्रदूषण मुक्त यमुना देश की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। यमुना को स्वच्छ बनाने की मांग को लेकर वृंदावन से दिल्ली के लिए चली मुक्तिकरण पद यात्रा में संत समाज की तरफ से स्वामी चिदानंद द्वारा, जबकि संत समाज की तरफ से चिदानंद जी नहीं आए थे। ये सब जानते हैं कि सोनिया जी ने और हरीश रावत जी ने उनको भेजा था उनकी क्षमता को नापने के लिए, उनको अपनी बात को समझवाने के लिए और उस बात पर राजी करने के लिए भेजा था। बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाई गई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने भी स्वामी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मालूम हो कि पदयात्रियों की मांगों को मानते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में यमुना के समानांतर नाले बनाए जाएं, जबकि हमारा कहना है कि समानांतर गटर लाइन हो और बीच में एक हमको यमुना की लाइन दी नहीं जाए जो सीधी हमारी बड़ा उजानी ब्रज क्षेत्र में ही खोले, उससे पहले उस पानी को कोई टच नहीं कर सके। सारे सीवर रेस को बड़े नालों के माध्यम से बाहर ले जाया जाएगा और शोधन करके नालों व नालियों के माध्यम से खेती और उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों की सहमति से यमुना में और पानी अधिक छोड़ने की कवायद पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इस पर मौके पर केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा कि स्वामी चिदानंद के अथक प्रयासों से ही एक ऐतिहासिक कार्य का संपन्न हुआ है।